माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नेहा शर्मा व्लॉग। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मेरी गाय की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी। मेरी गाय के पेट में बच्चा मर गया था जिससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कुछ आदमी यहाँ पे आए और उन्होंने मेरी गाय का ट्रीटमेंट किया और ट्रीटमेंट को बीच में ही छोड़कर वो लोग यहाँ से भाग गए थे। उसमें मैंने उस टाइम मतलब उन लोगों को डॉक्टर बोला था, लेकिन अब उस टाइम मैं और मेरी मम्मा घर में हम दो ही थे जो अकेले थे, और मुझे इतना नहीं पता था कि जो नम्होल से आए थे वो डॉक्टर थे कि कौन थे। अब जाकर मुझे ये पता लगा है कि जो नम्होल से आए थे रामकिशन, वो डॉक्टर नहीं फार्मासिस्ट थे, और उनके साथ एक आदमी और आया था। जो दो लोग हमारी मेरी गाय को चेकअप करने आए थे, ट्रीटमेंट करने आए थे इसका, और वो बीच में ही छोड़कर यहाँ से भाग गए। मैं उनको आवाज़ मारती रह गई, लेकिन उन्होंने हमारी एक भी बात नहीं सुनी, और उन्होंने ना तो ये बताया कि इसका ऑपरेशन होगा कि क्या होगा, और वो यहाँ से मतलब भाग गए। तो मैंने उस टाइम उनका नाम डॉक्टर लिया था, लेकिन वो फार्मासिस्ट थे। इसमें मतलब नम्होल के कोई डॉक्टर या कोई भी डॉक्टर है उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो यहाँ पर आए ही नहीं थे। नेक्स्ट डे जब मैंने उन रामकिशन के खिलाफ कंप्लेंट की, तब जाकर बिलासपुर से डॉक्टर रामस्वरूप आए। उन्होंने हमारी गाय का ऑपरेशन किया, और वो इतने अच्छे डॉक्टर थे, इतने अच्छे से उन्होंने मेरी हमारी गाय का ऑपरेशन किया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है। और आज आप देख ही सकते हो कि मेरी गाय काफ़ी हद तक रिकवर कर चुकी है, और मैं अब मतलब उन डॉक्टर से बहुत सेटिस्फाई हूँ कि उन्होंने मेरी गाय का ऑपरेशन बहुत अच्छे से ही किया। और उसके बाद ये वीडियो भी काफ़ी हद तक मतलब पहले वाली वीडियो वायरल हो गई, जिस वजह से मतलब डॉक्टरों के ऊपर काफ़ी सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इसमें डॉक्टरों को कोई कसूर नहीं है। लेकिन जो वहाँ पे डिस्पेंसरी में फार्मासिस्ट थे रामकिशन, उन्होंने ही हमारी गाय की हालत कंडीशन ख़राब की थी। उसके बच्चे को भी पेट में ही मार दिया था, और बच्चे की कंडीशन भी बहुत ख़राब थी, आँखें उनकी उसकी फोड़ दी थी, और वो बच्चा पेट में ही मर गया था। और सेकेंड डे जाके डॉक्टर आए और उन्होंने हमारी गाय का ऑपरेशन किया। तो मेरा बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतनी शेयर करो कि जो वो फार्मासिस्ट रामकिशन है, उनके खिलाफ़ मैंने पर्सनली भी एक कंप्लेंट किए हैं, और उनको मतलब काफ़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए, और उनके ऊपर कार्यवाही करनी की जानी चाहिए, और उनको सज़ा मिलनी चाहिए रामकिशन को। बाकी डॉक्टरों का इसमें कोई कसूर नहीं, मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि इसमें डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। तो प्लीज़ आप उनको सज़ा दिलवाएं, इस वीडियो को काफ़ी वायरल करें कि रामकिशन जी को ज़रूर सज़ा मिले, जिनकी वजह से मेरी गाय की इतनी बुरी कंडीशन हुई। लोग आते हैं बोलते हैं कि आपकी गाय तो ठीक हो गई है, लेकिन हमें पता है कि हमारी क्या कंडीशन है। आज की डेट में भी हमारी गाय, मैं ये बोल सकती हूँ कि रिकवर कर चुकी है, लेकिन इतनी रिकवर नहीं कर चुकी है अभी कि पूरी तरीके से ये रिकवर कर चुकी है। अभी हमें इसकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, अभी इसके ऑपरेशन हुआ है तो बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, लेकिन काफ़ी हद तक मतलब ऑपरेशन होने के बाद ये ठीक हो गई है। तो बस मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को आगे तक पहुंचाएं ताकि उन रामकिशन को सज़ा मिल सके। थैंक यू। ये मेरी प्यारी प्यारी राधे, और ये अब कुछ हद तक रिकवर हो गया। ऑपरेशन का आज फोर्थ डे है, और फोर्थ डे में हमने इसको बाहर बांधा हुआ है ताकि मतलब कुछ धूप ले ले, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होती है। इसलिए आज कुछ हद तक मुझे ये रिकवर लग रही है, घास पे अच्छे से खा रही है। ये देखो राधू।